Assalamu alaikum, we are going to start the chapter number 59 of your book Dhingra, which is Strider. Strider क्या होता है कि जो भी हमारे एयर पैसेजेस होते हैं जहाँ से हमारी एयर पास होती है वो नैरो हो जाते हैं. जब वो नैरो हो जाते हैं तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर जो है वो वॉइस प्रोड्यूस होती है, नॉइजी रेस्परेशन प्रोड्यूस होती है. और वो आपने इसकी जो है प्ले लिस्ट में सुना होगा इसकी आवाज़ को, तो वो नॉइजी रेस्परेशन क्यों होती है, एयर पैसेजेस के नैरो होने की वजह से. ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही एयर पैसेजेस जो है नैरो हो जाते हैं तो उनमें से जब एयर फ्लो होता है तो वो टर्बुलेंट हो जाता है. ठीक है, ऐसे ऐसे हिल जाती है जब अंदर से आवाज़ आ रही होती है, तो उसकी वजह से फिर ये आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है, नॉइजी रेस्पिरेशन. अब जो आपका लैरिंग्स होता है उसमें क्या क्या होता है, सुप्रा ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस होता है, सब ग्लॉटिस होता है. सुप्रा ग्लॉटिस की बात की जाए तो उसमें ये चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे ग्लॉटिस हो गया, हायोइड बोन हो गई, वेस्टिबुलर फोल्ड्स हो गए. अगर यहाँ पे नैरोइंग हो जाएगी तो उसकी वजह से स्ट्राइडर होगा. अगर ग्लॉटिस के पोर्शन में नैरोइंग हो जाती है तो ग्लॉटिस के पोर्शन में जो है स्ट्राइडर होगा, उसकी वजह से स्ट्राइडर प्रोड्यूस होगा. और अगर सब ग्लॉटिस में कोई नैरोइंग हो जाती है तो उसकी वजह से स्ट्राइडर प्रोड्यूस होगा. ठीक हो गया. अब ये होता है कि तीन तरह के स्ट्राइडर हो सकते हैं. तो ये होता है कि इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होता है कि जब हम सांस लेंगे अंदर को फिर ये आवाज़ प्रोड्यूस होगी. ठीक है, बायफेजिक हो सकता है कि इंस्पिरेशन के दौरान भी और एक्सपायरेशन के दौरान भी हो सकता है. और एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर हो सकता है कि जब हवा बाहर जा रही है तो उसकी वजह से स्ट्राइडर आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है. ठीक हो गया. अब जो इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होता है ना, वो किस लेवल पे होता है, वहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, फेरिंग्स होता है और सुप्राग्लॉटिस पोर्शन होता है. ठीक है, जो बायफेजिक होता है उसमें कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, ग्लॉटिस, सबग्लॉटिस और सर्वाइकल ट्रेकिया. तब ट्रेकिया स्टार्ट हो गया यहाँ पे. ठीक है, और फिर थर्ड होता है एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर, जिसमें क्या होता है, थोरेसिक ट्रेकिया इन्वॉल्व होता है, ब्रोंकाई इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए भी आ सकता है और ये आपके यूक्यू वगैरह वाइवा के लिए सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, बायफेजिक में क्या होते हैं, एक्सपायरेटरी में क्या होते हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कि किसी को रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस बनी हुई थी, ठीक है, उसकी वजह से ये एयर पैसेज नैरो हो सकता है. ठीक है, या सुप्राग्लॉटिस में कोई प्रॉब्लम है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लेरिंजियोमलेशिया पढ़ा था जिसमें सुप्राग्लॉटिस पोर्शन में क्या हो रहा था कि वो फ्लॉपी था. ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा था, एक फ्लैसिड था और उसकी वजह से स्ट्राइडर प्रोड्यूस हो रहा था. ठीक हो गया. अब इसी तरह हमारे ग्लॉटिस में कोई प्रॉब्लम हो, सब ग्लॉटिस में या सर्वाइकल ट्रेकिया में कोई प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेकियल स्टेनोसिस हो गई हो या सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस हो गई हो. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो के कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो के वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे होते हैं ग्लॉटिस के पोर्शन में, तो उनकी पैरालिसिस हो गई हो, तो यहाँ पे भी स्ट्राइडर प्रोड्यूस हो सकता है. फिर होता है एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर. ठीक है, उसमें क्या होगा, हमारे ट्रेकिया के अंदर यहाँ पे स्टेनोसिस हो गई हो, उसकी वजह से हो सकता है, या यहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी जो है वो लॉज कर गई हो जिसकी वजह से ये स्ट्राइडर प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो ये वेरी कर सकता है, ये आपने देख लेना. हम देखते हैं कॉजेज ऑफ स्ट्राइडर. हमने देख लिया इंस्पिरेटरी हो सकता है, बायोफिजिक हो सकता है, एक्सपिरेटरी हो सकता है, ये तो हमने देख लिया. ठीक है, लेकिन अब हमने ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे हमारे कॉजेज़ हो सकते हैं. कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है या एक्वायर्ड एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, कहीं भी. ये सारा हमारा पोर्शन है पैसेजेस का, यहाँ पे कहीं भी नैरोइंग हो जाएगी उसकी वजह से स्ट्राइडर प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो ये कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं, नोज़ के अंदर हो सकते हैं, टंग में हो सकते हैं. ठीक है, इसी तरह ये मैंडिबल में हो सकता है, फिर ये फेरिंग्स के रीजन में हो सकते हैं, यहाँ पे करके नैरोइंग हो सकती है, या लैरिंग्स के पोर्शन में नैरोइंग हो सकती है, या हमारे आगे जाके ट्रेकिया और ब्रोंकाई में नैरोइंग हो सकती है. तो ये सारे रीजंस होते हैं जो है रीजंस होते हैं जहाँ पे स्ट्राइडर की वजह से स्ट्राइडर हो सकता है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाहर कोई लीजन बनी हो. ठीक है, तो इन सबको हमने पढ़ना किस तरह से होता है, टेंसी से. ठीक है, ये जो आगे वाले मोस्टली है उनको हम टेंसी से पढ़ेंगे. टी फॉर ट्रॉमा हो सकता है, आई फॉर कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एन फॉर कोई न्यूरोप्लेसिया हो सकता है, कोई मतलब ट्यूमर हो गया, या ये हो सकता है कि एन फॉर न्यूरोजेनिक कॉज हो गया नर्व्स की पैरालिसिस की वजह से. ठीक है, या सी फॉर हमारे पास हो सकता है कंजेनिटल, आई जो है ये ऐसे ही लिखा हुआ है, मिसलेनियस कर लें इसको. ठीक है, तो ट्रॉमा की वजह से इन्फ्लेमेशन, न्यूरोप्लेसिया हो गया, या न्यूरोजेनिक कॉज हो गया, या कंजेनिटल कॉज हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि क्या हुआ है. सबसे पहले ये है कि क्या हुआ कि कंजेनिटली ही क्या हुआ कि कोयना, ये जो पीछे है पोस्टीरियर कोयना, इसकी ब्लॉकेज थी. ठीक है, जिसकी वजह से अंदर इंस्पिरेशन नहीं हो पा रही और वहाँ पे स्ट्राइडर प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, या क्या हुआ है, टंग जो है वो बाय बर्थ ही मैक्रोग्लॉसिया है, या टंग पे कोई हिमेंजियोमा है, ब्लड वेसल्स का ट्यूमर है, या लिम्फ वेसल्स का ट्यूमर है, लिम्फेंजियोमा है, या फिर हमारे पास क्या हो रहा है, एडिनोइड हाइपरप्लेसिया है, या फेरेंजियल हाइपरप्लेसिया हुआ है, या ये क्या इन्होंने शो किया हुआ है, डर्मोइड बनाया हुआ है इन्होंने टंग का, वो हो सकता है, या ये हो सकता है कि जो है यहाँ पर ये एक्चुअली ये शो किया हुआ कि मैंडिबल जो है ना वो बाय बर्थ ही बहुत छोटी बनी हुई है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पीछे से ये ब्लॉकेज हो गई है. तो इन सब रीजन, इन सब चीज़ों को, इन सब फिगर्स को अगर आप देखें ना, तो आपको यही पता चल रहा होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन है.
ठीक है, टर्बुलेंट एयर फ्लो होगी इन सब की वजह से और फिर वो स्ट्राइडर प्रोड्यूस होगा। ये सब शो कर रहे हैं कि नोज़ के लेवल पे, टंग के लेवल पे, मैंडिबल के लेवल पे या फेरिंग्स के लेवल पे कोई नैरोइंग हो रही है एयरवेज की और उसकी वजह से स्ट्राइडर प्रोड्यूस हो रहा होगा। अगर हम बात करें लैरिंग्स या ट्रेकिया के रीजन में तो वो क्या हो सकता है? लैरिंग्स के रीजन में टिनसी से हम देख लेते हैं सब कुछ, ठीक है, आपकी की टू की वर्ड होता है इसमें देखें कि टी फॉर ट्रॉमा, ट्रॉमा किस वजह से हो सकता है? किसी भी वजह से, लाइक अंदर कोई सर्जरी करते हुए हमने कोई चीज़ डाली हुई थी उसकी वजह से हो गया, या फॉरेन बॉडी इनहेल कर दी है बच्चा जो है वो तस्ती का दाना जो है वो मुंह में ले सकता है जिसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ट्रॉमा की वजह से टी हो गया। उसके बाद इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्या हो सकती है? लाइक क्रूप हो सकता है, लाइक एपिग्लोटाइटिस हो सकता है, लेरेंजाइटिस हो सकता है, उसकी वजह से हो जाएगा। फिर एन फॉर न्यूप्लेजिया, कोई न्यूप्लेजिया है लाइक यहाँ पे हेमेंजियोमा बना हुआ है लैरिंग्स के रीजन में, उसकी वजह से हो सकता है, या लेरेंजियल पैरालिसिस हो सकती है, न्यूरोजेनिक कॉज हो सकती है कि गला बंद हो गया, पैरालिसिस हो गई है मसल्स की। उसके बाद क्या होगा, वी हैव द कंजेनिटल हो गया, ये कंजेनिटल क्या हो सकता है, लेरेंजियोमलेशिया फॉर एग्जांपल, लेरेंजियोमलेशिया कंजेनिटल हो सकता है, या सब ग्लॉटिक स्टिनोसिस हो सकता है, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो सकता है, लेरेंजियल वेब हो सकता है, ये सारे कंजेनिटल कॉज हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ है लेरेंजियोमलेशिया, ठीक है, ये किस कैसे पता चला है कि ये ओमेगा एपिग्लॉटिस है। उसके अलावा ये दिखाया हुआ है सब ग्लॉटिक स्टिनोसिस हुई हुई है, ये भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो द कंजेनिटल कॉज, और दिस इज़ द ट्रेकियोमलेशिया एक्चुअली, कि इसमें क्या होता है कि ट्रेकिया जो है वो इस तरह से नैरोइंग इस तरह टाइप हो गया होता है उसकी भी, इस तरह से जैसे लेरिंजियोमलेशिया था वो वीक था, इस तरह से ट्रेकियोमलेशिया भी हो सकता है। तो ट्रेकिया के लेवल पे भी सारे यही कॉजेज होंगे, ट्रॉमा, कोई फॉरेन बॉडी चलेगी, कोई इंट्यूबेशन के वक्त कोई प्रॉब्लम हो गई, इन्फ्लेमेशन के फॉर एग्जांपल ट्रेकिया या ब्रोंकाई के अंदर ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस क्रूप हो गया। इसके अलावा न्यूप्लाजिया, न्यूप्लाजिया के अंदर क्या होगा, ट्यूमर्स ऑफ ट्रेकिया हो जाएंगे। कंजेनिटल ट्रेकिया में क्या होगा, कंजेनिटल स्टिनोसिस थी ट्रेकिया में इस तरह से। इसके अलावा अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाहर कोई लीजन है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाहर कोई ऐसी लीजन है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर जो है प्रेशर अप्लाई कर रही है, लाइक कंजेनिटली कोई एसोफेजियल एट्रेसिया हो सकता है, इन्फ्लेमेशन में अगर देखें तो रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस हो सकती है, ट्रॉमा के अंदर जो है एसोफेगस में फॉरेन बॉडी हो सकती है, ट्यूमर्स में क्या है कि ट्यूमर्स हो सकते हैं रेस्पिरेशन के ट्रैक के बाहर जो उसके ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करें। अभी आपने एक दफ़ा देख लेना है कि एक्यूट स्ट्राइडर हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट स्ट्राइडर कौन सा होगा, जिसमें इन्फ्लेमेशन होगी या फॉरेन बॉडी इनहेल हो गई है उसकी वजह से एक्यूट स्ट्राइडर होगा, लाइक क्रूप होती है इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, टॉन्सिलर एब्सेस में इन्फ्लेमेशन होती है, एपिग्लोटाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, फॉरेन बॉडी इनहेल हो गई है इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये सॉरी फॉरेन बॉडी एकदम से चली जाती है, तो ये सब जो है एक्यूट कॉजेज हैं, ठीक है। क्रॉनिक स्ट्राइडर में क्या होगा कि ये हमारे पास होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल कंजेनिटली कोई बहुत देर से जो है ना कोई वजह थी उसकी वजह से, लाइक कंजेनिटली लेरिंजियोमलेशिया हो सकता है, कंजेनिटली सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस हो सकती है, या कोई वैस्कुलर रिंग बनी हो सकती है, ये सारी क्रॉनिक स्ट्राइडर के कॉजेज होते हैं। तो ये आपको खुद भी पता होगा कि किस तरह से ये एक्यूट और क्रोनिक हम इनको क्लासीफाई करते हैं। अब हमने करना होता है कि वी हैव टू मैनेज द केस, ठीक है। तो अब स्ट्राइडर का केस आ रहा है, तो स्ट्राइडर इज़ इटसेल्फ अ सिम्टम, इससे हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सी बीमारी है, हमने उस कॉज को रूल आउट करना होता है कि ये स्ट्राइडर क्यों हो रहा है, किस लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है। हमने देखा कि ऊपर से देखें नोज से लेकिन एंड तक जो है ब्रोंकाइट के लेवल तक कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्ट्राइडर हो सकता है। तो अब हमने सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि वो स्ट्राइडर किस वजह से हो रहा है, कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है, इस बच्चे की या बड़े की जिसकी भी, ठीक है। तो उसके लिए मैनेजमेंट में सबसे पहले हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। उससे हम पूछेंगे कि आप मतलब सबसे पहले उसकी एज नोट करेंगे कि वो बच्चा है या बड़ा है, ठीक है, कंजेनिटली है या एक्वायर्ड है, टाइम ऑफ ऑनसेट क्या है, मोड ऑफ ऑनसेट क्या है, एक्यूट है या क्रोनिक है। जैसे फॉरेन बॉडी और इन्फ्लेमेशन के केसेस होते हैं मोस्टली एक्यूट होते हैं, क्रोनिक है तो ये हमारे पास उसको हमने रूल आउट कर लिया। उसके बाद हमने ड्यूरेशन पूछी, ड्यूरेशन का रूल आउट किया कि कितनी देर से ये स्ट्राइडर हो रहा है। और क्या हुआ, रिलेशन टू फीडिंग, ये एस्पायरेशन तो नहीं कर ली किसी चीज़ की इसने, या एसोफेगस में कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं चले गई, उसको हमने रूल आउट कर लिया, ठीक है, रिलेशन टू फीडिंग। और उसके बाद क्या है कि बच्चे को जो बच्चा है उसको या जो भी बड़ा है उसकी हमने देखना है साइनोसिस तो नहीं उसको हो रहा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है, तो साइनोसिस को नोट आउट करना है। उसके बाद हमने एस्पिरेशन और इंजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी उसी तरह हमने रूल आउट कर लिया, और लेरेंजियल कोई ट्रॉमा तो नहीं हो गया, तो एकदम से ट्रॉमा की हिस्ट्री हमने ले लेनी है उससे, ये सब कुछ हमने हिस्ट्री में ले लिया। फिर आती है कि आफ्टर हिस्ट्री चेकिंग मैनेजमेंट में आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ टू मच इंपॉर्टेंट स्ट्राइडर के लिए ना, उसके लिए कॉज को रूल आउट करने के लिए। तो सबसे पहले वी हैव टू नोट द चाइल्ड, लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह से अंदर की तरफ चेस्ट गई होगी, लाइक इंड्यूरेशन ऑफ चेस्ट होगी, रिसेशन ऑफ सुपर स्टर्नल नॉच इस तरह से गया होगा इंटरकॉस्टल स्पेसिस का, तो ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा क्रूप है,
ये इसे तो आपको ग्रुप डायग्नोज हो जाता है। फिर आपने रूल आउट करना होता है कि इंस्पिरेटरी है, बायोफिजिक है या एक्सपिरेटरी है, आपके बच्चा जो है वो सांस लेते हुए वो आवाज़ आ रही है या एक्सपिरेशन करते हुए आवाज़ आ रही है या दोनों तरफ से आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमने नोट किया कि वो स्नोरिंग तो नहीं करता, पूछने आपने स्नोरिंग तो नहीं करता, अगर तो स्नोरिंग करता होगा तो उसे में पता चल जाएगा कि नेजोफेरिंक्स के रीजन में कोई कॉज है या नाक के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके हमने कॉजेज देख लिए इतने ज़्यादा। फिर हमने पूछना है कि गर्गलिंग तो नहीं होती, गर्गर तो नहीं करता, अब गर्गलिंग हो रही होगी ना उसकी वजह से हमें पता चल रहा होगा कि ये फ्रेंशियल कॉज है, फेरेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। फिर होशनेस होगी तो उसे हमें डायरेक्ट पता चलेगा कि अगर होशनेस ऑफ वॉइस होगी तो डायरेक्ट पता चलेगा कि लेरेंजियल कॉज है। वीजिंग हो रही होगी तो ये तो आपको बताएगा कि ये ब्रोंकियल के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन चल रही है। तो स्नोरिंग, गर्गलिंग और ये आपके पास जो है होशनेस और वीजिंग, ये चारों आवाज़ें आप जब सुनोगे ना तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। फिर फीवर नोट करना है, फीवर से आपको क्या पता चलेगा कि कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, फीवर से आपको इन्फ्लेमेशन का पता चलेगा, लाइक दैट कैन बी एपिकुलोटाइटिस, दैट कैन बी क्रूप, दैट कैन बी डिफ्थेरियल इन्फेक्शन एंड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, पेशेंट विल प्रेजेंट विद फीवर। उसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से जो बच्चे को हम प्रॉन पोजीशन में लटाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमने निलेशिया पढ़ा था, उसमें देखा था कि बच्चे को प्रॉन पोजीशन में लटाने से वो ठीक हो रहा है। इसके अलावा माइक्रो नेथिया जिनकी ज़ुबान जिनका मैंडिबल छोटा सा होता है उसमें भी प्रॉन पोजीशन में लटाने से ठीक हो जाता है, या मैक्रोग्लॉसिया के जो बच्चे होते हैं उनको भी प्रॉन पोजीशन में लटाने से ठीक हो जाता है। तो प्रॉन पोजीशन में लटाने से फ़र्क पड़ रहा है या नहीं फ़र्क पड़ रहा, उसको हमने नोट आउट करना। फिर ऑस्कल्टेशन हमने स्टेथोस्कोप से करनी होती है, ठीक है, उसे हम देखते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है, कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, किधर से आवाज़ आ रही है, लोकलाइज करने के लिए। फिर हमने ओवरऑल एग्जामिन कर लिया पेशेंट के नोज़ को, टंग को, जॉ को, फेरिंग्स को, लैरिंग्स को, सब कुछ देख लिया। तो आधी जो है ना, आधा कॉज हमें इस तरह से ही पता चल जाता है बाय टेकिंग द हिस्ट्री एंड बाय एग्जामिनिंग द फिजिकल अपेरेंस ऑफ द पेशेंट, क्या जिसमें हमने क्या नोट किया, उसकी चेस्ट को नोट किया, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेटरी, स्ट्राइडर, उसकी आवाज़ को नोट कर लिया, और उसके बाद रूल आउट के वेदर द पेशेंट इज़ हैविंग फीवर और नॉट। इसके अलावा हमने प्रोन पोजीशन उसको लटा के देखा कि क्या वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, स्टेथोस्कोप से हमने एग्जामिन उसका टेट वगैरह कर लिया। तो ये होगी फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर होती है ये देखें, ये दरअसल हिस्ट्री में ना हमने हिस्ट्री में तो इस तरह से इन्होंने लिख दिया हुआ आपके बुक में कि साइनोटिक स्पेल्स इन द हिस्ट्री, ये नहीं पूछेंगे, ये वैसे पूछेंगे कि हुआ था या नहीं हुआ था, वैसे वी विल नोट इट। साइनोटिक स्पेल्स को देखेंगे कि इस तरह से जो है ब्लू ही होगी स्किन, तो दिस विल बी साइनोटिक स्पेल्स, दिस विल टेल अस कि कोई रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और ये एक्चुअली इंट्यूबेशन की हुई है जिसकी वजह से जो है ट्रामा हो सकता है और उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद हमने करनी होती है इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करोगे, आप इस तरह से लेरेंजियोस्कोप इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी के थ्रू देखोगे कि आपको लैरिंग्स किस तरह से नज़र आ रहा है, सब ये स्टेनोसिस इस तरह से नज़र आएगी, हेमेंजियोमा नज़र आ सकता है, ओमेगा शेप जो है लैरिंग्स नज़र आ सकता है, दैट विल बी लेरेंजियोमलेशिया, आपको पेपिलोमास नज़र आ सकते हैं, लेरेंजियल पेपिलोमेटोसिस हो सकती है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई नोड्यूल बना हो सकता है, वहाँ पर कोई इस तरह से लेरेंजियल वेब बना हो सकता है। तो इस तरह से आप लेरेंजियोस्कोपी करते हो तो आपको आधी चीज़ें वैसे ही पता चल जाती हैं। इस तरह से जब आप एक्सरे करवाओगे या चेस्ट एक्सरे करवाते हो तो आपको फॉरेन बॉडी नज़र आ सकती है, लाइक हेयर। आप सीटी स्कैन करवाओगे, आप इस तरह से जो एक्सरे लोगे तो लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ स्टीपल साइन एंड दिस विल टेल यू कि ये क्या है, क्रूप का पेशेंट है, ठीक है। इसके अलावा एंजियोग्राफी आप करवा लेते हो, फिर आप एसोफेगस का जो है एसोफेजियोग्राम ले लेते हो, आप ये जो कर रही है ये क्या कर रही है, इट इज़ एक्चुअली जो है फ्लेक्सिबल फाइब्रो ऑप्टिक लेरेंजियोस्कोपी, इसको क्या कहता है कि इधर से डाल रहे होते हैं, अंदर लेरेंजियोस्कोपी कर रहे होते हैं, स्क्रीन पे सब कुछ विजिबल हो रहा होता है कि क्या है, वो हमने देख लिया कि ये हो सकता है, इस तरह से विजिबल होता है। डायग्नोसिस हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करके, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल एक्चुअली ट्रीट द पेशेंट। तो उसके लिए हम ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है तो उसके लिए हम उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को ठीक करेंगे, और अगर तो ट्रेकियोस्टमी की ज़रूरत पड़ती है तो वी विल डू द ट्रेकियोस्टमी। तो इस तरह से ये स्ट्राइडर का टॉपिक कम्प्लीट होता है। उसके बाद ये आपका एक बुक में बना हुआ है कि इसमें उन्होंने बताया हुआ चिल्ड्रन में जो कॉजेज होते हैं स्ट्राइडर के, दिस इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, वैसे तो ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजेनिटल में वो पूछते हैं और एक साथ आपने एक्वायर्ड लिखना है। कंजेनिटल कॉजेज आपने देख लिए हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं, लेरेंजियोमलेशिया हो सकता है, लेरेंजियल वेब हो सकता है, सबग्लॉटिक स्टेनोसिस हो सकती है, पिक्चर्स आपके माइंड में आनी चाहिए सारी।
हिमेंजियोमा हो सकता है, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो सकती है, या टंग या जॉ की एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं जो हमने इतनी ज़्यादा देख ली कंजेनिटल। फिर ए फिब्राइल और फिब्राइल कॉजेज़ क्या होते हैं। फिब्राइल मीन्स एसोसिएटेड विद फीवर होते हैं, लाइक एपिग्लोटाइटिस, लेरेंजाइटिस, लेरेंजियोट्रेकियाइटिस, डिफ्थेरिया, रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, ये सारी इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ हैं। ए फिब्राइल में क्या होंगे, जिनमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगी एज सच, ठीक है, जिसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल वी हैव द पेपिलोमेटोसिस इंजरी, फॉरन बॉडी, लेरेंजियल एडिमा, एडीनो टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी, तो ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। देन वी हैव द डिफरेंस विद द स्टर्टर। स्टर्टर क्या होता है कि जब इंस्पायरेशन होती है तो हैवी स्नोरिंग इंस्पायरेटरी साउंड होती है, डीप स्लीप में और कोमा में आ रही होती है। ये क्यों होती है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवेज एंड द लैरिंग्स। तो स्टर्टर इज़ समथिंग अलग सी चीज़ ना, जिसमें डीप स्लीप या कोमा के वक्त ये आ रही होती है एक आवाज़, स्नोरिंग टाइप, इसको हम स्टर्टर कहते हैं। इसमें से क्वेश्चंस देखें क्या आते हैं, ज़्यादातर ये आते हैं, पूछते हैं कॉजेज, इन्यूमरेट द कॉजेज ऑफ स्ट्राइडर इन चिल्ड्रन। और उसके बाद ये होता है कि फोर कॉजेज ऑफ स्ट्राइडर जो कि नॉट फिब्राइल है, इस तरह से ये पूछते हैं। और कभी कभार इसके जो इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कॉजेज जो आपके इस तरह से बना हुआ है ना सारा, उस तरह से आपने बना के लिखना होता है, कंजेनिटल एक्वायर्ड फिब्राइल। दैट्स इट अबाउट इट।